हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बाहुबली ऐसी फिल्म से सबके कहते बने स्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज का फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने वाली है, पर इससे पहले ही इसका फर्स्ट रिव्यू वेरी वेरी फर्स्ट रिव्यू रिलीज हो चुका है। जी हाँ, आउट हो चुका है। राधे श्याम प्रभास के अपोजिट पूजा हेगड़े हैं। हाल ही में ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधू ने यह फिल्म देखी और वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उमेर संधू ने राधे श्याम देखने के बाद उसकी तारीफ में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, क्लासी स्टाइल, थ्रिलिंग मिस्ट्री भी और रोमांटिक भी, राधे श्याम कमाल की है। ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, एक पावर पैक्ड फिल्म। प्रभास ने दमदार वापसी की है, वो वन मैन शो है। इंडिया में उनके स्टाइल और स्वैग को कोई मात नहीं दे सकता। बात करें फिल्म की राधे श्याम की। राधे श्याम में प्रभास एक ज्योतिषी के रोल में है जिसका नाम आदित्य है। उसके पास कुछ शक्तियां भी हैं जिनके कारण वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वो प्यार और किस्मत के बीच किस तरह फंस जाता है और फिर क्या ट्विस्ट आते हैं, यही फिल्म की कहानी है। राधे श्याम को राधा कृष्ण कुमार ने डायरेक्ट किया, जबकि भूषण कुमार इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में भाग्यश्री, सचिन खेडकर, सत्यराज और मुरली शर्मा जैसे कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं। राधे श्याम के बाद प्रभास की एक और फिल्म आने वाली है जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फैंस अब आदि पुरुष प्रोजेक्ट के और सलार का इंतजार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के, इसमें प्रभास मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे। ये पहली बार है जब दोनों किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में प्रभास और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम करने और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि प्रभास किस तरह उनके लिए सेट पर घर का खाना लाते थे। सबसे पहले हमें इंतजार है फिल्म राधे श्याम का, और रिव्यू देखने के बाद तो ये इंतजार और बढ़ जाता है। ये फिल्म रिव्यू पढ़ने के बाद जो एक्साइटमेंट अंदर चल रही होती है, बस अभी फिल्म रिलीज हो जाए और हम लोग फिल्म देख ले। आपको क्या कहना है इस रिव्यू के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।